पैंडे आमतौर पर शांतिपूर्ण जानवर होते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, जब तक कि उन्हें खतरा महसूस न हो। लेकिन जब वे क्रोधित हों, तो आपको उनके रास्ते से हट जाना होगा। दुर्भाग्य से बहुत से लोग और जानवर इसे नहीं समझते हैं। क्या आपने कभी गैंडे को भैंस पर आक्रमण करते देखा है? या क्या आपने सोचा है कि एक गैंडा एक छोटी कार को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? यदि आप उत्सुक हैं, तो बने रहें और देखते रहें, क्योंकि हम बहादुर शिकार द्वारा शिकारियों को मात देने की 6 अद्भुत क्लिप्स लेकर आया हूँ। नंबर 6, गैंडा वर्सेस गैंडा। एक युवा सफेद गैंडा अपनी माँ को दूध पीता है। जब एक बड़ा गैंडा दिखाई देता है, तो माहौल तुरंत बदल जाता है। गैंडा माँ और बछड़े के आसपास अपने क्षेत्र को चिन्हित करना शुरू कर देता है, जो अभी भी स्तनपान कर रहे हैं। हमलावर गैंडा बछड़े को हवा में फेंक देता है। बछड़े की माँ उसकी सहायता के लिए दौड़ती है, लेकिन गैंडा उस पर हमला करता है, उसे पीछे की ओर धकेलता है और अपने अगले पैरों से उसे मार डालता है। लड़ने वाला जोड़ा जमीन से ऊपर उठता है और पर्यवेक्षक की कारों में से एक से टकरा जाता है। भयभीत बछड़ा संघर्ष को देख लेता है और भाग जाता है। माँ अंततः गैंडे से दूर सड़क पर भाग जाती है, जो एक क्षेत्रीय विवाद प्रतीत होता है। सफेद गैंडे अकेले रहने वाले जीव हैं, जो अपने क्षेत्र की जमकर रक्षा करते हैं। दूसरी ओर महिलाएं क्षेत्रीय नहीं होती हैं और अक्सर पुरुषों द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों से बाहर चली जाती हैं। ये दो गैंडे क्षेत्र और एक बछड़े के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि एक गैंडा दूसरे की तुलना में अधिक मजबूत है। वे कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को धक्का देते हैं, इससे पहले कि मजबूत गैंडा दूसरे को पानी में धकेल दे। हमला जारी है और ये स्पष्ट हो जाता है कि ये गैंडे नृत्य का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, बल्कि बछड़े के लिए बुरी तरह लड़ रहे हैं। प्रभुत्व की होड़ में गैंडे आमने सामने लड़ते रहते हैं। मजबूत गैंडा जमीन पर पेशाब करके अपने क्षेत्र को चिन्हित करता है। पेशाब की धार इतनी तेज होती है कि ऐसा लगता है मानो कोई बौछार हो रही हो। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरा गैंडा चट्टान से अपना पेट रगड़ने का आनंद ले रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों, लेकिन ये अपने क्षेत्र को चिन्हित करने या तनाव दूर करने का एक तरीका हो सकता है। नंबर 5, गैंडा वर्सेज शेर। दो नर शेर एक क्रोधित गैंडे से सावधान हैं, जो उन्हें दूर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। उनमें से एक शेर लंगड़ा है और दौड़ने में संघर्ष कर रहा है। मुझे यकीन नहीं है कि गैंडे ने शेर को घायल कर दिया या नहीं, लेकिन ये स्पष्ट है कि गैंडा चाहता है कि शेर चले जाएं। शेर जिद्दी हैं, शायद इसलिए कि उन्होंने एक शिकार किया है और उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। गैंडे के पास ये नहीं है और वह शेरों को परेशान करना जारी रखता है। दो सफेद गैंडे सड़क पर सो रहे शेरों के झुंड को जगा देते हैं। गैंडों में से एक दिशा पूछता है और एक शेर विपरीत दिशा की ओर इशारा करता है। गैंडा मुड़ता है और चला जाता है। क्या ये सोते हुए शेर सचमुच जंगल के राजा हैं या ये सिर्फ डरावनी बिल्लियां हैं? आज सुबह एक बछड़ा बाहर घूम रहा था, लेकिन जब माँ पास आई तो शेरों ने अपनी योजना बदल दी और रुक गए। माँ सबसे बेहतर जानती है और बिल्लियां शक्तिशाली जानवरों के प्रति अपना सम्मान दिखाती हैं। यदि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपने मायावी बिग फाइव शेर, हाथी, गैंडा, भैंस और तेंदुए को उनके प्राकृतिक आवाज में देखा है, तो आप समझ जाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार अपनी शक्ति और अधिकार का प्रदर्शन करता है। यह विश्वसनीय वीडियो शेरों के झुंड और एक माँ सफेद गैंडे और उसके बछड़े के बीच एक असाधारण बातचीत को दर्शाता है। गैंडा शेरों से घिरा हुआ है, लेकिन ये अपने आकार और ताकत से उन्हें परेशान करता है। बड़ी बिल्लियां हमला करने से झिझकती हैं, ये जानते हुए कि गैंडा एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी होगा। नंबर 4, गैंडा वर्सेस लकड़बग्घे। इस दृश्य को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। एक मजबूत माँ गैंडा अपने बच्चे की रक्षा कर रही है और दो लकड़बग्घे अपने शिकार कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। सफेद गैंडा लकड़बग्घे को अपने बछड़े से दूर रखने के लिए घूमता है, जो कि खुद की रक्षा करने के लिए बहुत छोटा है। लकड़बग्घे अपने शिकार को मार गिराने में कुशल होते हैं, और जब गैंडा का बच्चा उछलता है तो उसकी माँ और दो लकड़बग्घे उसका पीछा करते हैं। फिल्म निर्माता के अनुसार गैंडा परिवार सुरक्षित बच गया। ये गैंडा माँ लकड़बग्घों और दो शेरों के एक झुंड के सामने डटी रहती है।
शेर कुपोषित है और एक घायल है, जो आश्चर्य की बात है क्योंकि लकड़बग्गों ने अभी तक उन पर हमला नहीं किया है। पास में ही एक हाथी भी है। गैंडे का बछड़ा संभवतः मर चुका है और माँ नहीं चाहती कि उसका कोई भी दुश्मन उसके पास आए। नंबर 3, गैंडा भर्सेस हाथी। एक गैंडे की माँ अपने बछड़े को एक विशाल हाथी से बचाती है। दोनों जानवरों के बीच यह गतिरोध तनावपूर्ण है, लेकिन मुझे संदेह है कि कुछ भी होगा। वे गतिहीन खड़े हैं, जैसे दो मुक्केबाज एक दूसरे का आकार माप रहे हों। 1979 में पोलैंड सबर्ग रिजर्व में लाए गए हाथियों ने अपने बड़े रोल मॉडल की अनुपस्थिति में ज्यादातर अनाथ हाथियों को मार डाला है। युवा हाथियों को कैसे व्यवहार करना है यह सिखाने के लिए मादाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और उन्हें संभोग करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप युवा हाथी आक्रामक हो गए और कई पर्यटक वाहनों में गैंडों पर हमला करने लगे। 40 गैंडे मारे गए और एक व्यक्ति घायल हो गया। मादाओं द्वारा स्वीकृति के कारण युवा सांडों में असंतोष पैदा हो गया। ऐसा माना जाता था कि युवा हाथी अभी तक संभोग करने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं थे और मादाओं ने इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप युवा सांडों में उनके बढ़े हुए हार्मोनल स्तर के कारण गंभीर प्रतिक्रियाएं हुई, जिससे मृत्यु और अन्य आक्रामक व्यवहार हुए। गैंडे की निकटता से चिढ़कर हाथी ने तुरही बजाई और गैंडे के पास आकर उसे जाने की मांग करने लगा। गैंडे के पास भागने का कोई समय नहीं था क्योंकि हाथी ने उस पर हमला किया और जमीन पर गिर गया, जिससे गैंडा अपने भारी वजन के नीचे दब गया। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली गैंडा भी अपने विरोधियों पर हावी होने की हाथी की क्षमता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। नंबर 2, गैंडा वर्सेस दरियाई घोड़े। जबकि कई जानवर गैंडे और दरियाई घोड़े से डरते हैं, इस साहसी दरियाई घोड़े ने बिना किसी चिंता के गैंडे के ठीक सामने जमाई ली। दोनों दरियाई घोड़े अपने पानी के बिल में गैंडे की उपस्थिति से चिढ़ गए और उन्होंने उसे लड़ाई के लिए चुनौती दी, लेकिन गैंडा शांत रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। दुर्भाग्य से गैंडे पर अंतर दरियाई घोड़े ने हमला कर दिया, जिसने उसे काट लिया और पानी में फेंक दिया। हालांकि गैंडा दरियाई घोड़े से अप्रभावित लग रहा था। गैंडे और दरियाई घोड़े एक पानी का गड्ढा साझा करते हैं, लेकिन दरियाई घोड़े गैंडे की उपस्थिति से स्पष्ट रूप से नाखुश हैं। एक दरियाई घोड़ा खतरा दिखाते हुए अपना मुंह पूरा खोलता है और गैंडा पानी में लौटने से पहले एक कदम पीछे हट जाता है। एक और दरियाई घोड़ा आता है और दोनों दरियाई घोड़े गैंडे को परेशान करना शुरू कर देते हैं। गैंडा अपने सिंह से अपना बचाव करता है, जो कई बार दरियाई घोड़े के मुंह में घुस जाता है। लड़ाई 30 मिनट तक चलती है। जब गैंडा दरियाई घोड़े के जोड़े के बहुत करीब आ जाता है, तो उनमें से एक गैंडे का पीछा करता है। गैंडा हिलने से इनकार कर देता है और अपने रास्ते पर चलता रहता है। नंबर 1, गैंडा वर्सेस कार। इस वीडियो में एक क्रोधित गैंडा बैल अपनी गाय और बछड़े की रक्षा के लिए पर्यटक वाहनों पर हमला करने की कोशिश करता है। इस पुराने गैंडा का शिकारियों या अन्य मनुष्यों के साथ पिछली मुठभेड़ हो चुकी होगी। वीडियो क्रूगर नेशनल पार्क में शूट किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के तुलाथुला गेम रिजर्व में अपने हनीमून पर एक जोड़े को दो गैंडों द्वारा 2 किलोमीटर से अधिक समय तक पीछा किया गया। उनके पास 24/7 शिकारियों से उनकी रक्षा करने वाला एक गेम गार्ड था, जिन्हें पैदल चलने की कोशिश करनी पड़ी। आप वीडियो की शुरुआत में उनका पीछा करते हुए देख सकते हैं, लेकिन वे लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे थे। गैंडे के लिए कार का पीछा करना असामान्य है, क्योंकि उनकी दृष्टि खराब होती है और वे आसानी से थक जाते हैं। इस घटना को वीडियो में कैद करने का सौभाग्य इस जोड़े को मिला। गैंडे एक लाल कार का निरीक्षण करते हैं और मुझे आशा है कि वे बहुत करीब नहीं आएंगे, क्योंकि यह कार का अंत हो सकता है। गैंडों में से एक अपने सींग से कार को टक्कर मारता है, जिससे वह और उसके दोस्त डर जाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक विशाल गैंडे को सीधे आपके वाहन की ओर दौड़ते हुए देखना कितना डरावना होगा। मैं जानता हूँ कि कुछ ही सेकंड में मेरा पैर गैस पेडल पर होगा। गैंडा एक सफेद एसयूवी से टकराता है और उसे अपने सींग से टक्कर मार देता है। ड्राइवर ने समझदारी से ये सोचकर वहाँ से निकलने का फैसला किया कि गैंडा दोबारा हमला कर सकता है। एक अन्य गैंडे को किसी वाहन का बहुत करीब आना पसंद नहीं है, लेकिन वह चार्ज नहीं करता है।
आप देख सकते हैं कि जब कोई जीप का पीछा करता है तो गैंडे कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। यदि आपने कभी सोचा है कि आप गैंडे से आगे निकल सकते हैं, तो फिर से सोचें। एक छोटी कार को जीवन भर की धड़कन मिल जाती है जब यह गैंडा उसके साथ हॉट व्हील्स कार की तरह खेलता है। ये शक्तिशाली गैंडे द्वारा किया गया पूर्ण विध्वंस कार्य है। मुझे उम्मीद है कि इस नरसंहार के दौरान कार में कोई नहीं था। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।